हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? क्या लगा था आपको कि इम्पोर्टेंट ऐसा लिस्ट नहीं आएगा? अरे नहीं सर, हमारा वसूल तो एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मई 23 में बस तोड़ना है, ठीक है, और ICSE के फाइनल एग्ज़ाम्स को छोड़ना है। सर बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऐसे लिस्ट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कमिट किया था एंड टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया था कि आज इम्पोर्टेंट ऐसे लिस्ट आपको अपलोड हो जाएगा। कल रात का मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था बिकॉज उसको एनालाइज करने में, आज इवनिंग का भी मैंने 1-2 घंटा टाइम लिया। सर एनालाइज करने के बाद मैं टॉप 14 इम्पोर्टेंट ऐसे पे पहुंचा हूँ। देखो 700 सीरीज में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, प्लीज़ करो थोड़ा सा अच्छे तरीके से करो, ज़्यादा है ठीक है, बट उसमें मैंने निकाल दिया है 3 एसेज आपको करने पड़ेंगे बिकॉज उसमें 3 तो ऐसे 700 के सीरीज से है, बिकॉज 700 का एक ऐसे तो आपको आने ही वाला है। तो ICSE ने उसको चैप्टर वे में उसको डाला हुआ है, तो आप समझ लो 700 के सीरीज में से क्वेश्चन रहेगा। सर नाउ बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट ऐसे के लिस्ट की। हाँ सर ऑलरेडी सारे आपको LDR बुक्स हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जो कि FR ऑप्टिमिस्टिक, बहुत कम टाइम बचा है। प्लीज़ इसमें से अगर आपके पास बुक होगा एक बार बुक लगा लो, फिर एग्जाम से पहले आपको अपना मेन बुक प्लस इस बुक को लेके बैठना है। एंड स्पीड वे में सब कुछ कवर होगा, सारे इंपॉर्टेंट वे में लगा दिया। मॉक टेस्ट में ऑलरेडी 50-55% पोर्शन यहाँ से था, RDP में 10 में से आप 13 में से 10 क्वेश्चन SFM में एंड FR में भी ऐसे मिलने को देखने को मिले हैं। मैंने सब वीडियो बनाया था कौन कौन से क्वेश्चन सील्ड एंड FR ऑप्टोमेस्टिक एंड जो भी DT एंड SCP से क्वेश्चन थे। सर नाउ हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि हमारा SAS इंपॉर्टेंट लिस्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट क्लॉज मैंने बना दिया है, स्टडी मैटर लॉ के अमेंडमेंट्स मैंने बना दिए, लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिस्ट बना दिया। सर ये कहाँ अवेलेबल है? आप अभी प्ले स्टोर का लिंक है नीचे, आप अभी डाउनलोड करो। आप लास्ट में 3 कॉर्नर्स पे आओगे, वहाँ पे जाओगे स्टडी मटेरियल, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज में पाओगे, ठीक है। ढूंढोगे तो क्या नहीं मिल जाएगा, 1 मिनट लगेगा ढूंढने में। स्टडी मटेरियल में आओगे, यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में मैंने इंपॉर्टेंट टैक्स ऑडिट क्लॉज, इंपॉर्टेंट एसेज में डालने वाला हूँ, वहाँ पे ये लिस्ट आपको वहीं मिलेगी। सब प्रिंट निकाल के आप अपने मेन जो बुक है वहाँ पर स्टिक कर लो, वापस स्टेबल कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे लिस्ट, इंपॉर्टेंट लॉ के सेक्शंस डाल रखे हैं, और जो भी LDR में 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी पुट किए, एड ऑन किए स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो प्लीज़ स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखना, एंड जिनको LDR चाहिए वो वहाँ से बाई कर सकते हैं। सर नाउ ये 14 इंपॉर्टेंट एसेज है सर, ऐसे 210। सर ये एसेज इंपॉर्टेंट किस वे में? आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो किया और निकल गया इंपॉर्टेंट ऐसे? नहीं दोस्त, टाइम लगता है, 6-7 आवर्स मेरे को कल नाइट में भी लगे थे। सर करना क्या होता है? करना कुछ नहीं, प्रॉपर इवेल्यूशन किया है मैंने कि लास्ट जो भी RTP एंड ऑल है, ठीक है, कुछ मैंने SS के इंटरन क्वेश्चंस पढ़े कि हाँ यहाँ से ICSE क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने लास्ट के 4-5 अटैम्प्ट के RTP थे, ठीक है, एंड जो भी मॉक टेस्ट थे, सब पे कॉमन पॉइंट पे आने के बाद, लास्ट अटेम्प्ट के कुछ इलिमिनेट करने के बाद, कुछ रखने के बाद, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे, कहते नहीं है कि कहने के सारे एरोज आपके एक पॉइंट पे आके जो मिलते हैं, वो सारे एरोज जो एक पॉइंट मिलते हैं, मैंने सारे SS को निकाल दिया कि ICSE का लास्ट 4 अटैम्प्ट से ये फेवरेट सेक्शन है, ये फेवरेट SS पॉइंट है, यहाँ पे ICSE आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ छोड़ने से बेटर है भाई साहब, SS में दिक्कत आता है, तो ये वाले SS कर लो, 210, 220, 240, 250, 260, यहाँ आपकी 200 की सीरीज हो गई। मैं अगेन बोलता हूँ 200 से 700 सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 300 में 330, ठीक है, 402, 450 हाईली इंपॉर्टेंट, कोई एक रहेगा यहाँ से, फिर 560, 570, देन 600 सीरीज में 620 एंड लास्ट में आते हैं 700, 705 एंड 706। सर थोड़ा सा मेरे पे भरोसा कर लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम उसकी उनकी बात क्यों नहीं माने, आपकी बात क्यों माने? देखो दोस्त, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप उनकी बात नहीं मानो, मैं बोलता हूँ कि आपको जो लगता है कि आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ ठीक है हमें इनको फॉलो करना चाहिए, हमें इनको फॉलो करना चाहिए, बट बी स्पेसिफिक। अब ये नहीं कि आपने 40 टीचर का मटेरियल लेके रख लिया तो आप खुद उलझ जाओगे, नहीं, थोड़ा सा फेथ करो जिस पे भी आपने भरोसा किया स्टार्टिंग से अभी तक, थोड़ा सा उस पे भरोसा दिखाओ, वो भी आपके लिए कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं होता है किसी का कम किसी का ज़्यादा, सब अपने एफर्ट्स अच्छे लगा रहे हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपको किस पे फेथ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एनालाइज करके निकाल दिया, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, डाउनलोड करो, प्रिंट करो यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट करके अपने मेन जो बुक है वहाँ पे लिख लो। सर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14 एसेज लिस्ट है, ठीक है, ओनली 14 है, इतना कर लो, 50% आई थिंक कम है थोड़ा सा, ठीक है, 14 कर सकते हो स्टार्टिंग के, तो इतना तो कर लेना, 620 तक वाले तो आपके होने चाहिए, 700 वाले तो आप अपने एनालिसिस बेसिस पे भी लिख देते हो कभी कभी, ठीक है, 620 तक में थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स सब होंगे ये याद करने, ये 14 एसेज तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। हर बार सर एसेज में बताता हूँ मैं, हमेशा 10 से 14 के बीच में निकालता हूँ एंड वहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं लिस्ट में से, पिछले बार भी 3 एसेज यहीं से थे, मई में तो मैंने निकाला था 12 इंपॉर्टेंट ऐसे निकालता, 4 को 4 एसेज वहीं से थे,
ठीक है। तो ये आईसीआई का फेवरेट होता है, पॉइंट पे आने के बाद सब कल्ट को एनालाइज करने के बाद है ना एक पॉइंट आता था, हाँ ये वाले फेवरेट एसेज है, इसको आपको करना है। तो बस एग्जाम के लगे रहो, मैं भी अपना पूरा बेस्ट देने को तैयार हूँ, आप भी अपना पूरा बेस्ट दो। एंड इस मई 23 को लास्ट बनाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो वो थोड़ा सा अब ब्लाइंडली जाओ इस पे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज बोथ ग्रुप में थोड़ा लोड ज्यादा होता है। एंड एसेस मैं खुद बताता हूँ, मैंने अटेम्प्ट में जब मैंने एसेस किया था, मेरे को 16 में से 4 मार्क्स थे, बिकॉज एसेस नहीं कर पाया था मैं। एक टाइम पर मैंने सारे एसेस पढ़ लिए थे, बस एग्जाम का जब टाइम आया था ना, मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाया, इसमें समझ नहीं आया कि यार इंपॉर्टेंट कौन सा है। मुझे लगता था यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो वो चीज़ मेरे पास रिसोर्स नहीं था। इसलिए मैंने जहाँ जहाँ गलती किया है, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यार यहाँ मैं और बेटर कर सकता है, स्टिल मेरे 57-58 थे ऑडिट में, बट अगर मैं एसेज और अच्छा होता तो हो सकता है 70s में जा सकते थे नंबर मेरे, बिकॉज 16 में से मेरे को 4 मार्क्स थे एसेज में, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा नहीं है तो आप लाओ ना नंबर, 70 नंबर आप लाओ, 65 नंबर आप लाओ, ठीक है। तो ये 14 इंपॉर्टेंट एसेज लिस्ट है, इसको अच्छे से देख के जाना, क्वेश्चन बैंक आपको देखना है, एलडीआर में इसके सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने, ठीक है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स के साथ, हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, अगर उनका भला चाहते हो तो उनको शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, आप मेरे प्ले स्टोर पे ऐड हो जाओ, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं वीडियोस बना देता हूँ उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वेट मत करो, इसको पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी ऑडिट पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 5 या 4 ऐसेज आता है यहाँ पे, 3 तो ऐसे आपको लगेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, इतना करो, चलो ऑल द बेस्ट। एंड पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, अभी अपना अपना बेस्ट दो, 200% आना चाहिए यहाँ से आपका अपना। यहाँ पे अगर आप रुक गए तो हो सकता है कि सब गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा काम हो जाओ, शांत मत करो, आंख बंद करो, खुद को 1 घंटा टाइम दो, मतलब 1 घंटा इन द सेंस कि आप थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़े से गाने सुन लो, ठीक है। बट यस, बैक टू योर वर्क, ठीक है। एटलीस्ट अभी आपको 12 घंटे निकलना चाहिए, होंगे 5 घंटे में सीए बनने वाले, कोई बात नहीं, होंगे, ठीक है। बट अभी आप 12 घंटे लगाओ, 10 से 12 घंटे लगाओ, सिटिंग बनाओ कि वहाँ से इफेक्टिव 7 से 8 9 निकल ही जाएगा आपका अच्छे तरीके से, ठीक है। जो सिंगल ग्रुप वाले, बोथ ग्रुप वाले, तो भाई साहब जितना पढ़ लो उतना कम होता है लास्ट के टाइम्स में। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।